ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमस्कार दोस्तों एक वीडियो में उपनिषदों की के सीरियल में दे रहा हूँ उद्यालक आरुणि के पुत्र के केतु और उनके पिता के बीच का एक प्रकार से बातचीत है और इसका जो हेडिंग है वो है तत्व मसी तो सुनिए इसके बारे में उनमें क्या क्या वार्तालाप होती है उद्दालक आरुणी के पुत्र श्वेत केतु ने अपने पिता से यह जानना चाहा कि निद्रा क्या है उद्दालक ने कहा सौम्य मैं तुम्हें बताता हूँ कि निद्रा क्या है सुनो जब मनुष्य के संबंध में यह कहा जाता है कि वह सो रहा है तो उस अवस्था में यह जानना चाहिए कि आत्मा जो सत है उससे उसका तादात्म्य हो गया है अर्थात उस अवस्था में उसकी बाह्य चेतना कुछ नहीं रह जाती और वह अंतस चेतना के साथ एक रूप हो जाती है उस अवस्था में वह अपने वास्तविक अपनेपन को प्राप्त हो जाता है इसीलिए सोए हुए व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि वह स्वपन स्व मीन्स अपना की अवस्था में है जिस प्रकार डोर से बंधी हुई चिड़िया फड़फड़ाती हुई कभी इस ओर और, और कभी उस ओर उड़ने की चेष्टा करती रहती है और अंत में विश्राम के लिए कोई दूसरे स्थान पर उस वस्तु या स्थान पर आकर बैठती है जिससे वह डोर बंदी रहती है उसी प्रकार मन इधर उधर भटकने के बाद अंत में विश्राम के लिए कोई दूसरा स्थान न पाकर प्राण या आत्मा का आश्रय पकड़ता है वत्स मन की डोर प्राण ही है सवेत की पूछा पिताजी मुझे भूख और प्यास की विशेषता से परिचित कीजिए ने कहा जब मनुष्य के संबंध में यह कहा जाता है कि वह भूखा है तो इसका अर्थ यह है कि उसके शरीर के भीतर अन्न और जल की कमी है वह अन्न भक्षण करता है और उस अन्न को उसके उस अन्न को पानी उसके गले के नीचे उतारता है इसीलिए पानी को अस्नाय अन्न को नीचे ले जाने वाला कहा जाता है इसलिए इस शरीर का कारण भी वही है वत्स यह न सोचना कि इस शरीर की उत्पत्ति बिना कारण के हुई है श्वेत क्रिस्तों ने प्रसन्न किया पिताजी वह कारण क्या है उद्दारक ने उत्तर दिया जल को छोड़कर दूसरा कौन कारण इसका हो सकता है अन्न को उत्पन्न करने वाला जल है और शरीर अन्न से उत्पन्न होता है इसलिए शरीर का मुख्य कारण जल ही है जल की उत्पत्ति तेज से होती है और तेज का मूल कारण सत अथवा सत्य है इस प्रकार इस विश्व के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का मूल कारण सत्य ही है जब मनुष्य के संबंध में यह कहा जाता है कि वह प्यासा है, तो यह जानना चाहिए कि उसके शरीर में जल का अभाव है तेज के द्वारा वह जल को अपने गले के नीचे उतारता है इसीलिए तेज को उदन्य पानी को ले जाने वाला कहा जाता है इस शरीर का कारण वही है यह नहीं समझना कि इसकी उत्पत्ति बिना कारण के हुई है वह कारण क्या है पिताजी श्वेत के ने पूछा उद्दालक ने कहा जल को छोड़कर दूसरा कौन कारण इसका हो सकता है इस प्रकार सौम्य तुम्हें जानना चाहिए कि तेज ही जल का कारण है और तेज का कारण सत्य है इस प्रकार इस विश्व के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और अंत का मूल कारण सत्य ही है जब मनुष्य इस संसार को छोड़ देता है तो उसकी वाणी मन में विलीन हो जाती है मन प्राण में विलीन हो जाता है प्राण तेज में लीन हो जाता है और तेज पर ब्रह्म में मगन हो जाता है समस्त विश्व का प्राण वही पर ब्रह्म है वह पर ब्रह्म सत्य है वही इस विश्व की आत्मा है हे श्वेत केतु तुम स्वयं भी वही आत्मा हो सवेद केतु ने अपने पिता के ज्ञान वचन सुनकर कहा मैं वही आत्मा किस प्रकार हूँ क्या आप इसे और स्पष्ट करके समझाने की कृपा करेंगे उद्दालक ने कहा वत्स अच्छी बात है सुनो जिस प्रकार मधुमक्खियां मधु, मधु तैयार करने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों से विभिन्न वृक्षों के फूलों का रस सार इकट्ठा करती हैं और उन सब रसों को एक ऐसे विशिष्ट रस में परिणित कर देती हैं, जो आकार और प्रकार में विभिन्न वृक्षों के रसों से कोई समानता नहीं रखता उसी प्रकार वत्स विश्व के समस्त प्राणी मृत्यु के बाद एकमात्र सत्य के रूप में परिणत हो जाते हैं और उनके नाम रूप के सब भेद मिट जाते हैं। उसके बाद वे फिर उन विशिष्ट नामों और रूपों को धारण करके जन्म लेते हैं, जिन्हें वे मरने के पहले धारण किए हुए थे बाघ सिंह भेड़िया भालू कीड़ा पतिंगा मच्छर आदि सभी जीव जंतुओं के संबंध में यह बात कही जा सकती जो अणु का रूप मूल तत्व इन सब प्राणियों की आत्मा है वही सत्य है हे श्वेत केतु तुम वो ही आत्मा और वही सत्य हो सवेद केतु ने कहा पिताजी इस विषय को कुछ और स्पष्ट करके समझाने की कृपा कीजिए उद्दालक ने कहा अच्छी बात है वत्स सुनो ये नदियां पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हैं और उसके बाद समुद्र से कर्म से बाहर बादल और वर्षा के रूप में परिणत होने के बाद नए श्री से जन्म ग्रहण करके अंत में फिर समुद्र में ही जाकर विलीन होती हैं। जिस प्रकार ये नदियां नहीं जानती कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई इसी प्रकार सृष्टि की प्राणी सत्य से उत्पन्न होने के बाद यह नहीं जानते कि उससे उनकी उत्पत्ति हुई पर न जानने पर भी वे अपने पूर्व जन्म की आकृति प्रकृति और नाम रूप को प्राप्त कर लेते जो अणु का भी अणुरूप मूल तत्व इन सब प्राणियों की आत्मा है वही सत्य है हे स्वेत तु, तुम स्वयं भी वही हो। ने कहा, पिताजी मुझे एक बार और स्पष्ट रूप से यह समझाने की कृपा कीजिए कि प्राणी निद्रा की अवस्था में और मृत्यु की अवस्था में विश्वात्मा में विलीन होने पर भी अपनी विशेषता क्यों नहीं खोते उसके पिता बोले सुनो मैं तुम्हें समझाता हूँ यदि किसी महान वृक्ष की जड़ पर कुल्हाड़ा से मारा जाए तो उसमें से उसके भीतर का जीवन रस टपकने लगेगा यदि उसी वृक्ष के बीच में कुल्हाड़े से आघात किया जाए तो भी उससे जीवन रस टपकने लगेगा और यदि उसकी चोटी पर कुल्हाड़ा चलाया जाए तो वहां से भी रस निकलेगा जब तक उसमें जीवन का संचार रहेगा तब तक वह पृथ्वी से सत्व ग्रहण करता रहेगा पर जब एक शाखा जीवन से रहित हो जाएगी तो वह सुख जाएगी जब दूसरी शाखा जीवन से शून्य हो जाएगी तो वह भी सुख जाएगी अंत में जब संपूर्ण वृक्ष जीवन रस से रहित हो जाएगा तब वह पूरे का पूरा सुख जाएगा तुम यह जानने रहो कि जब इस शरीर से जीवन चला जाता है तब शरीर अवश्य मर जाता है किंतु जीवन नहीं मरता वह जीवन जो इस आत्मा जो इस शरीर का आत्मा है सत्य है सत्य ही विश्व की आत्मा है। हे केतु, तुम स्वयं भी वही आत्मा हो श्वेत केतु के मन में फिर भी कुछ संख्या बनी रही बनी रह गई उसकी ज्ञान पिपाशा की पूर्ण तृप्ति तब भी नहीं हुई उसने अपने पिता से कहा पिताजी आप क्या यह है? बताने की कृपा करेंगे कि अदृश्य और नाम रूप रहित तो सत्य से सृष्टि की उत्पत्ति और विकास कैसे होता है उसके पिता बोले अच्छी बात है पहले तुम मेरे लिए वट वृक्ष का एक फल लाओ श्वेत केतु पास ही एक वट वृक्ष से फल तोड़ कर ले आया और बोला पिताजी लीजिए यह है वट वृक्ष का फल उदालक ने कहा इस फल को तोड़ो श्वेत केतु से तोड़कर बोला तोड़ दिया उसके पिता ने पूछा इसके भीतर तुमने क्या पाया छोटे छोटे बीज उदालक ने कहा इनमें से एक बीज को भी तोड़ डालो श्वेत केतु बीज को तोड़ने के बाद बोला लीजिए मैंने बीज भी तोड़ दिया इस बीज के भीतर तुमने क्या देखा श्वेत केतु का कुछ भी नहीं तब उदालक ने समझा है बेटा इस कुछ नहीं से ही महान वटवृक्ष की उत्पत्ति हुई है उसी प्रकार जो सत्य या सत्य तुम्हें अदृश्य और नाम रूप से रहित है उसी से इतनी विराट सृष्टि खड़ी हुई है वह सत्य ही आत्मा है और हे श्वेत केतु तुम स्वयं भी वही हो श्वेतकेतु ने इतनी बातें सुनने के बाद कहा पिताजी कि आप मुझे यह समझाने की कृपा करेंगे कि सत्य से सृष्टि की उत्पत्ति होने पर भी वह स्थाई क्यों नहीं रहती उद्यालक अरुणि बोले अच्छी बात है मैं समझाऊंगा पर पहले तुम एक काम करो पानी में कुछ नमक डालकर रख दो फिर कल सुबह उसे लेकर मेरे पास आओ श्वेतकेतु ने वैसा ही किया दूसरे दिन प्रातः काल वह वही नमक डाला हुआ पानी लेकर अपने पिता के पास पहुंचा उसके पिता ने कहा जो नमक तुमने इस पानी में छोड़ा था उसे खोज निकालो परचियों की वह नमक पानी में घुल गया था इसीलिए श्वेतकेतु उसे निकाल नहीं सका तब उद्दालक ने कहा सोम्य इस पानी के ऊपर का थोड़ा भाग चख लो श्वेतकेतु ने वैसा ही किया उद्दालक ने कहा तुम तुमने इस पानी का स्वाद कैसा पाया श्वेत के तु ने बोला पिताजी है नमकीन है अब थोड़ा सा बीच के भाग में से चखो श्वेत के तु ने उसे चखा इसका स्वाद तुम्हें कैसा लगा उद्दाल ने पूछा श्वेत केतु का ज्ञान जब इस हद तक बढ़ा तो उसे उस अनंत रहस्य आत्मा के संबंध में और अधिक विशद ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई उसने अपने पिता से कहा पिताजी नमक जिस प्रकार अदृश्य होने पर भी जीव द्वारा अनुभव हो सकता है उसी प्रकार का कारण जो आत्मा है इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य न होने पर भी मन तथा बुद्धि द्वारा कैसे अनुभव हो सकता है अनुभूत हो सकता है इस विषय को समझाने की कृपा कीजिए मैं जान गया हूं कि जब तक मैं इस आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता तब तक मेरा कल्याण नहीं है पर मैं यह जानना चाहता कि उसके अनुभव का साधन क्या है पिता ने कहा अच्छी बात है मैं तुम्हें यह भी समझाता हूँ यदि गंधार देश के किसी पुरुष की आंखों में पट्टी बांध कर उसे वहां से दूर किसी निर्जित स्थान में छोड़ दिया जाए तो वह यह चिल्लाकर समस्त दिशाओं को गुंजा देता है कि मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई है मुझे इस अवस्था में यहाँ अकेला छोड़ दिया गया है तब कोई दयालु उसकी आंखों की पट्टी खोलकर कहेगा, गंधार देश का मार्ग यह है तुम इस रास्ते से होकर वहां जाओ तब वह मनुष्य जिसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई थी गाँव गाँव में मार्ग पूछता हुआ गंधार पहुँच जाएगा इसी प्रकार सच्चे ज्ञान की इच्छा रखने वाला मनुष्य योग्य गुरु को पाकर आत्मा प्राप्त करने का मार्ग जान लेता है और तब तक चैन नहीं लेता जब तक समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर चरम सत्य को प्राप्त नहीं कर लेता की अनुरूप आत्मा यही सत्य है हे श्वेत केतु तुम स्वयं भी वही हो श्वेत केतु ने कहा पिताजी आप कृपा करके फिर एक बार दृष्टांत द्वारा यह समझाइए कि यह सत्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके पिता ने कहा अच्छी बात है मैं और दृष्टांत द्वारा अपनी बात स्पष्ट करूंगा जब कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में होता है तो उसके संबंधी उसकी परिचर्या के लिए उसे घेरे रहते हैं और उससे पूछते हैं मुझे पहचान रहे हो मुझे पहचान रहे हो वह उन्हें पहचानता है पर बाद में जब उसकी वाणी मन में लीन हो जाती है मन प्राण में लीन हो जाता है प्राण तेज में लय हो जाता है और तेज आत्मा में लय हो जाता है तब वह किसी को भी नहीं पहचान पाता जिस अनुरूप आत्मा में ये सब तत्व लीन हो जाते हैं वही परम सत्य है श्वेत केतु तुम वही हो श्वेत केतु ने कहा पिताजी अब कृपा करके यह समझाइए कि ज्ञानहीन मनुष्य मरने के बाद भी फिर क्यों इस संसार में लौट आता है और ज्ञानी मुक्त होकर क्यों नहीं लौटता मृत और मुक्त दोनों प्रकार के व्यक्ति जब आत्मा में लय हो जाते हैं तो फिर अंतर क्यों? ने कहा अच्छी बात है मैं तुम्हें एक दूसरे दृष्टांत द्वारा बात समझाऊंगा वत्स जब कोई व्यक्ति चोरी के संधि पर पकड़ा जाता है और न्यायाधीश के आगे बंदी अवस्था में लाया जाता है तो न्यायाधीश उससे कहता है तुमने चोरी की है इसलिए तुम्हें दंड दिया जाएगा वह अस्वीकार करता है इस पर न्यायाधीश अपने नौकरों को आदेश देता है इसके लिए कुल्हाड़ी भट्टी में गर्म करो जब लाल हो जाए तो लाओ जब भट्टी में गर्म की हुई आग की तरह लाल कुल्हाड़ी लाई जाती है तो अभियुक्त से उसे पकड़ने के लिए कहा जाता है यदि उस व्यक्ति ने सचमुच चोरी की हो और झूठ बोलकर अपनी रक्षा करना चाहता है तो कुल्हाड़ी के जलते हुए फल को पकड़ते हुए उसका हाथ जलकर नष्ट हो जाता है पर यदि उसने चोरी नहीं की हो तो सत्य बोलने और अपनी आत्मा को सत्य से छा देने के कारण उसे पकड़ने पर भी उसका हाथ नहीं जलता उस बंधन से मुक्ति मिल जाती है जिस प्रकार वह व्यक्ति सत्य का आश्रय ग्रहण करके ग्रहण करने के कारण जलने से बच जाता है उसी प्रकार आत्मा के सत्य का आश्रय ग्रहण करने वाला भी आवागमन के चक्कर से बच जाता है हे श्वेत तुम स्वयं भी वही सत्य है स्वेद के तुमने कहा पिताजी अब मैं उस सत्य को भली बात ही समझ गया हूँ कहानी और दृष्टांतों के द्वारा हमारे जीवन के एक गहन रहस्य को इस कहानी में समझाया गया है ये कहानी बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए ताकि वो भी इस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर सकें दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद नमस्कार 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 मेरे दोस्तों नमस्कार